आज हमारे पास में एक भक्त ने प्रश्न भेजा है कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है। वासना और प्रेम में क्या अंतर है? ममता और आसक्ति में क्या अंतर है? और संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं कि ममता आसक्ति मोह वासना को जीतो, और सभी शास्त्र ये समझाते हैं कि प्रेम से रहो। कोई नहीं कहता है कि मोह से रहो, या मोह करके रहो, ममता करके रहो, आसक्त होकर रहो, वासना में डूब कर रहो, ये कोई नहीं समझाता है। सभी कहते हैं प्रेम से रहना चाहिए और प्रेम सबसे करना चाहिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अंतर अपने आप स्वयं झलक रहा है। प्रेम वह तत्व है जिसमें ना तो मोह है, ना वासना है, ना आसक्ति है, ना ममता है, और ना वहां पर कोई राग द्वेष है। प्रेम एक शुद्ध तत्व है, और प्रेम बहुत विस्तृत होता है। प्रेम आप 10 लोगों से भी कर सकते हैं, 10,000 से भी कर सकते हैं, लाखों से कर सकते हैं, पूरे देश से कर सकते हैं, और विश्व से भी कर सकते हैं, पशु पंछियों से भी रख सकते हैं। लेकिन वासना आसक्ति ममता और मोह ये पूरे विश्व से नहीं किया जा सकता है। मोह कुछ ही लोगों की तरफ हो सकता है, वासना व्यक्तिगत किसी की तरफ आपके अंदर जागृत हो सकती है, ममता कुछ ही लोगों से हो सकती है, आसक्ति ये भी कुछ ही लोगों से हो सकती है। तो मोह मनुष्य को अंधा कर देता है, आसक्ति बांध देती है, वासना मूढ़ बना देती है, और ममता हमेशा अन्याय कराती है। इसलिए विवेकवान कहते हैं मोह से बचो। जैसे महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को दुर्योधन से मोह था, उस मोह के कारण वे पांडवों के प्रति न्याय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मोह हमेशा पक्षपात करता है। मोह कभी निष्पक्ष नहीं रहता है, स्वच्छ नहीं रहता है, पवित्र नहीं होता है, और ममता ये भी मनुष्य को अंधा कर देती है। जो नहीं करना चाहिए वो हम किसी की ममता में पड़ करके कर देते हैं। आसक्ति प्रायः जो विषय वासनाओं में डूबते हैं लोग, जो विषय भोगों के लिए आकर्षित होते हैं, वो जो है उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। आसक्त का मतलब होता चिपक जाना, बिल्कुल मूढ़ हो जाना, विवेकहीन हो जाना, फिर परिणामदर्शी बुद्धि का खो जाना, और इसका फल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये भी न सोच पाना, उस कंडीशन का नाम आसक्ति है। और न्याय नीति क्या है इसको भी ना कर पाना, ना समझ पाना, ऐसी कंडीशन का नाम ममता हो जाता है, मोह हो जाता है। मोह ममता करीब करीब मिलते जुलते हैं, लेकिन मोह की प्रगाढ़ अवस्था को ममता कहते हैं। परंतु जहां प्रेम होता है वहां मोह नहीं रहता है, मोह नहीं रहता है, न ममता रहती, न आसक्ति रहती, न वासना रहती है। और वासना हमेशा, वासना का अर्थ होता है विषयों को भोगने की इच्छा, विषयों को भोगने की इच्छा का होना ही वासना है।
और पांच विषय होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। इन पांच विषयों को मनुष्य भोगता रहता है, पशु पक्षी भी भोगते रहते हैं। पशु पक्षियों में अधिकतर तो स्पर्श विषय ही रहता है, वो सुगंध विषय में नहीं फंसते हैं। और ऐसे भौंरा है वो सुगंध विषय में ही फंसता है, हाथी स्पर्श विषय में मुख्य रूप से फंसता है, और मछली स्वाद विषय में फंसती है, और पतंगे, ये पतंगे जो है रूप विषय में आकर्षित होकर जलते हुए दीपक में घुस करके अपने आप को जला डालते हैं। यानी पंच विषयों के प्रति जो आसक्ति है, और मनुष्य तो पांचों विषयों में फंसता है। ये किसी भी रूप सौंदर्य को देखकर भी आकर्षित हो जाता, बिना विवेक के उधर खींचता चला जाता है। शब्द विषय को सुन करके मृगा जो है उसमें फंस करके मारा जाता है। मनुष्य शब्द विषय में फंसा हुआ है, ना जाने किस किस तरह के गाना बजाना सुनता है। लेकिन शब्द विषय, रूप विषय और स्वाद विषय, शब्द रूप रस और गंध, गंध विषय, ये चार विषयों को मनुष्य स्पर्श विषय के लिए सहयोग में प्रयोग करता है। जैसे जो लोग गंदे गाने सुन रहे हैं, गंदे शब्द सुन रहे हैं, तो उनके गंदे शब्द सुनना उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य इन गंदे शब्दों के माध्यम से विषय वासना को उत्तेजित करके और स्पर्श विषय को प्राप्त करना, ये इसलिए वो सुन रहे हैं। रूप विषय में आकर्षित होते हैं, रूप विषय में आकर्षित होना उनका मुख्य बिंदु नहीं है। वो इसलिए आकर्षित होते हैं रूप विषय के आकर्षण के माध्यम से मेन लक्ष्य तक, यानी जो स्पर्श विषय भोग है, काम वासना का भोग है, वहां तक पहुंचना। तो ये हैं साधन स्पर्श के, शब्द रूप रस गंध। विशाल देव भी कहते हैं कि स्पर्श विषय के ये साधन है, काम वासना के पॉइंट पर पहुंचाने के लिए ये साधन है। कौन कौन? शब्द विषय है, रूप विषय है, गंध विषय है और रस विषय, रस यानी स्वाद विषय। ये सब आपको सहयोग करके काम वासना के कुआं में ढकेलने का काम करते हैं। अब मोह और प्रेम में क्या अंतर है? मोह जो होता है वो हमेशा दुख देता है, क्योंकि जिनसे जिनसे तुम मोह करते हो, भले उनसे हजार कोस की दूरी पर बैठो, लेकिन जब जब उनकी याद आएगी तो उनके वियोग में तुम दुखी हो जाओ, और जब उनके पास में रहोगे तो उनसे लड़ाई झगड़ा करके दुखी हो जाओगे। क्योंकि मोह विवेकहीन होता है, और विवेकहीन जो व्यक्ति है तो वो व्यक्ति प्रेम से कहाँ रह सकता है। तो मोह में लड़ाई झगड़ा तो होना ही होना है। इसलिए जब किसी घर में बहू आती है तो सासू थोड़े दिन उसको बड़ी मोह ममता करती, बड़ा लाड़ प्यार करती, मेरी बहुरिया और मेरी क्या क्या उसको बोलते हैं, लड़का की दुल्हन है, और उसके बाद उसी से खूब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। तो ये जो है विचार करने की बात है, इसका विचार करना जिसको आ गया वो व्यक्ति इससे छुटकारा पा जाता है। और प्रेम में बहुत सुख है, शांति है, निष्पक्षता है, स्वच्छता है, और प्रेम हल्का फुल्का चीज है। जो प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति होता है, लेकिन प्रेम में भी विवेक होना चाहिए। किससे हम कितना प्रेम करें, किससे कितना हम जुड़े, और जैसे आप वेश्या से प्रेम करते हैं तो वेश्या का प्रेम अगर जरा सा चूक जाओगे तो मोह ममता आसक्ति और वासना में बदल जाएगा। जैसे कोई लड़कियां हैं, आप साधु हो, आप लड़कियों से बहुत प्रेम करते हो, तो उन लड़कियों की संगत में आपकी साधुता नष्ट हो सकती है। बस उनसे दूरी बनाकर प्रेम रखो, शुभकामना रखो, लेकिन उनको छुओ मत, और उनसे ज्यादा बातें मत करो, और उनको देखो मत ज्यादा, क्योंकि ब्रह्मचारी को
विषय वासना उत्तेजक शब्दों को भी नहीं सुनना चाहिए, रूप को भी नहीं देखना चाहिए, ऐसी बातों को भी नहीं करना चाहिए, ऐसे भजन गीत भी नहीं गाना चाहिए, ना सुनना चाहिए, ना ऐसे दृश्यों को देखना चाहिए, ना ऐसा कोई खाद्य पदार्थ खाना चाहिए जिससे कि उसके अंदर विषय वासना उत्तेजित हो, ब्रह्मचर्य का नुकसान हो, उसे सावधान रहना चाहिए। और प्रेम में एक विशेषता होती है, प्रेम में आप कोई अगर गलती करता है तो उसको थोड़ा आप दंड भी देते हैं, सजा भी देते हैं और डांट भी देते हैं और क्षमा भी कर देते हैं। प्रेम एक ऐसा तत्व है जो सर्व गुणों को लेकर के बैठ जाता है, उसमें सभी गुण समा जाते हैं, वो अनुशासन भी करता है और समय समय पर डांटता भी है और लोगों को क्षमा भी करता है, लोगों पर करुणा भी करता है और दया भी करता है, उनको सहयोग भी करता है और टाइट भी करता है, सबको राइट भी करता है। तो प्रेम जैसे हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं, ऐसे जो है प्रेम में सभी गुण समा जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुआ। कोई भी महात्मा ने नहीं कहा है कि मोह करो, या किसी शास्त्र में भी नहीं लिखा है मोह करो। अब चाहे हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मोह भी बड़ा विचित्र होता है। कभी कभी आपको अपने परिवार में मोह होता है, परिवार के सदस्यों से मोह होता है, और कितने लोग हैं जिनको मतलब अपनी जाति का बहुत मोह होता है, भले उस जाति में वो सौ सौ जूता खाएं तमाशा घुस के फिर भी देखेंगे। कितने लोगों को अपने मजहब से बहुत मोह होता है, अपने मजहब को बढ़ाना है और दूसरे मजहब को मिटाना है। और जहाँ तुम्हारा मोह होगा तो दूसरे को मिटाने की कोशिश तुम जरूर करोगे, और तुम यही सोचोगे कि बस केवल और केवल हमारा ही मजहब रहना चाहिए, हमारी ही जाति के लोग रहना चाहिए, हमारे ही देश के लोग रहना चाहिए, हमारे प्रदेश के। कितने लोगों को अपने प्रदेश का मोह होता है, कोई बात होती है, हालांकि सभी प्रदेश एक ही देश के हैं, भारत देश में अनेक प्रदेश हैं, लेकिन वे सब प्रदेश के रहने वाले लोग अपने अपने प्रदेश का अहंकार रखते हैं, अपने अपने प्रदेश का मोह करते हैं, और एक प्रदेश के कुछ कार्य करने वाले कर्मचारी मजदूर दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तब उनसे वो दूसरे प्रदेश वाले काम ले लेते हैं, उनको मजदूर के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जब कोई बात आती है तो कहते मेरे प्रदेश में उस प्रदेश के लोग नहीं रह सकते, इनको मारूंगा पीटूंगा निकालूंगा। अब जब तक स्वार्थ रहा तब तक तो उनको रख लिया, खूब काम करा लिया, और कोई समस्या आई तो उनको मार पीट के भगा रहे हैं। तो ये अपने प्रदेश का पक्षपात, अपने प्रदेश का मोह, ऐसे देश का मोह होता है कि मेरा देश, और इसमें विश्व युद्ध इसीलिए होते हैं। विश्व युद्ध का कारण सिर्फ इतना ही है, विश्व युद्ध है, आदमी आदमी से लड़ाई है, जाति जाति में लड़ाई है, मजहब मजहब की लड़ाई है, प्रदेश प्रदेश में लड़ाई है, देश देश की लड़ाइयां हैं। उसका कारण है अपने अपने का मोह करके लोग पक्षपात करते हैं, न्याय निर्णय की बात नहीं करते हैं, और दूसरे को मिटाना चाहते हैं और खुद को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मोह तो बड़ा खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। जब आदमी ये घर में रहता है, घर की सीमा तक सोचता है, तो ये क्या करता है, तो ये घर में मोह करता है, अपनी पत्नी से मोह करेगा। और कभी कभी लोग अपनी पत्नी से भी मोह नहीं करते, पड़ोसी की पत्नी से मोह करते हैं, और कभी कभी पड़ोसी के पति से मोह करते हैं, और कभी कभी पति से कोई मोह प्रेम नहीं है, देवर से मोह है, कभी कभी अपनी पत्नी से नहीं भाभी से मोह लग गया है। और जहां जहां मोह लगता है, मोह अंततः जो है आसक्ति और ममता में परिवर्तित होकर के वासना की कुएं में ही गिराता है। और मोह इसलिए इसको बंधन भी कहा गया है। और मोह करने वाले कोई कभी सुखी नहीं होते, मोह करने वाले कभी न्याय का बात तो कर ही नहीं सकते, और न्याय की बात करेंगे तो वो खाली उनका कपट की बात होगी। और जो व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ है, मोह से मुक्त है, वो न्याय निर्णय की बात करता है। ये थोड़ा मोड़ा उपद्रव नहीं है मोह का, मोह जहां जहां होता है वहां वहां नुकसान ही करता है।
मोह में आदमी गलतियां भी बहुत करता है। जिसके प्रति मोह होता है उसके लिए आदमी चोरी भी करेगा, छल करेगा, कपट करेगा, झूठ बोलेगा। अब एक दुर्गुण आ जाए तो उस दुर्गुण को छिपाने के लिए, बचाने के लिए अनेक दुर्गुण को रखना ही पड़ जाता है। जैसे आपने चोरी किया, अब चोरी किया, चोरी से बचने के लिए आप झूठ बोलोगे, चोरी से बचने के लिए फिर आप छल कपट भी करोगे, फिर हेरा फेरी करोगे, फिर गलत लोगों से जुड़ोगे कि बचने में ये लोग मदद करेंगे। दुनिया भर का बवाल है। तो हमें मोह छोड़ करके, ममता से हट करके, आसक्ति को तोड़ करके और वासना के दलदल से ऊपर उठ करके केवल और केवल प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अगर आप प्रेम पूर्वक रहोगे, केवल प्रेम से रहोगे, ऐसा नहीं प्रेम से रहोगे तो आपका घर बिगड़ जाएगा, बिजनेस नहीं बिगड़ेगा और अच्छा चलेगा। तो आप अगर आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हो, मोह नहीं करते हो, तो आपकी पत्नी भी सुधर कर चलेगी। लेकिन जब ज्यादा उससे मोह करोगे, उसका गाल मुंह से चाटोगे, उसके नाक में नाक लड़ाओगे, ये कोई प्रेम है? ये तो गधे भी मुंह में मुंह लड़ाते हैं और कुत्ते भी एक दूसरे को चाटते हैं, तो बेवकूफी का काम है। ये कोई प्यार प्रेम नहीं है, ये गधों की क्वालिटी है। और ज्यादा उसको कहोगे तुम मेरी जान हो और मैं तेरा प्राण हूं और ये है वो है, हम तुम्हारे बिना जिएंगे नहीं। अब ये सब मोह की बातें करना, आसक्ति की बातें करना, तुम नहीं रहोगी तो हम कैसे रहेंगे, ये सब फालतू बातें हैं। ये खुद के अंदर तो मोह है ही, अज्ञानता घोर है, और दूसरे के अंदर भी अज्ञानता और मोह पैदा करने वाले शब्द हैं, उसको भी तुम यही पैदा कर देते हो। हाँ, प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ये सब ठीक बात है। आराम से रहो, प्रेम से रहो और ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये फालतू झूठी बातें करना कि तुम मेरी जान हो और ये है वो है, दुनिया भर के ऐसे ऐसे गाने लोग गाते हैं, और फिर ये हीरो हीरोइन तो बहुत मजा करते हैं, नाचते भी खूब है, टांग इधर उधर फेंकना, दुपट्टा फेंकना और पैजामा की टांग हिलाना, लोगों से लिपटना और दुनिया वालों को दिखा देते, दुनिया वाले सोचते ये भी कोई प्रेम है। अगर इनको प्रेम होता तो हीरोइन जो थी श्रीदेवी, श्रीदेवी नाम था, उसको बाथरूम के पानी में डुबा कर क्यों मार डाला? कौन मार डाला? अपने आप तो कोई डूबेगा नहीं। यही प्रेम है, टांग हम टांग लड़ावत रहे और लपटत रहे और खूब गावत रहे गाना और उसके बाद मार डरी। तो कितने लोग लड़कियों से और लड़कों से आपस में वासना, आसक्ति, मोह करते हैं, उसके बाद लड़की को मार डालते हैं वासना में। आज तक प्रेम में कोई किसी को मारा नहीं, कोई किसी को मारा नहीं है, और प्रेम में कोई कभी कठोर हुआ नहीं है। ये वासना में तो इतना लोग कठोर हुए हैं, लड़की को उठा ले गए और उस लड़की को रैप करके और फिर उसको चक्कू से मार डाला, काट डाला और फिर उसको आग में जला दिया, उसकी लाश के टुकड़े कर डाले। तो ये वासना कितनी खतरनाक है, ये मोह कितना खतरनाक है। पहले तो मोहित हुए, फिर आकर्षित हुए, फिर आसक्त हुए और उसके बाद फिर वासना में डूब गए, फिर जबरदस्ती किया, बलात्कार किया और फिर कुकर्म उसके साथ किया, दुष्कर्म किया और फिर उसको मार भी डाला। कितना बड़ा अपराध कराया इस वासना ने, कितना बड़ा अपराध हुआ इस मोह में। लेकिन जो लोग प्रेम करते हैं उनके अंदर वासना पैदा ही नहीं, वासना पैदा होगी तो प्रेम नहीं रहेगा वहां। परंतु सावधान ये रहना है कि आप कितने ही प्रेमी हैं, सावधान नहीं रहोगे तो आप भी वासना और आसक्ति और ममता और मोह में डूब सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं बहुत शुद्ध हो गया, आप चाहे जैसा बर्ताव करूं, आप गलत फलत बर्ताव करोगे तो आपका पतन हो जाएगा और आप भी वैसे गिरोगे, कुकर्मी हो जाओगे। इसलिए कितने लोग जो साधक होते हैं, सज्जन होते हैं, उन लोगों को भी देखा जाता है कि अगर कुसंगत से सट करके रहते हैं और सावधानी नहीं बरतते हैं तो फिर से उनके अंदर मोह जग जाता है और फिर से वासना जग जाती है। कितने लोग घर छोड़ करके आते हैं, बड़े जोर से भागते घर छोड़ करके, महाराष्ट्र नागपुर से भागे जोर से कि ऐसी की तैसी अब कभी नहीं जाऊंगा। अब सावधान नहीं रहे, गुरु ज्ञान सुना भी रहा है, समझा भी रहा है, अंदर अंदर मोह बढ़ रहा है, फिर विवेक नहीं है,
मोह बढ़ रहा है, धीरे से फोन से बात कर रहे हैं, चुपके चुपके बात कर रहे हैं, कोई साथी भी ऐसा मिल गया बहकाने वाला, अरे अभी तुम्हारे ये है वो है, तुमको वहां जाना चाहिए करना चाहिए, फिर ममता जग गई। और ममता जब जगी तो उस ममता के कारण वे फिर रिटर्न हुए, और जिसको त्याग करके आए थे उसको फिर उसी में जाकर फंस गए, उसी मोह में, उसी आसक्ति में, उसी वासना में। तो उनको कहा जाता है कि ये आदमी ऐसी दशा में है कि सौ सौ जूता खाएगा, तमाशा घुस कर देखेगा, विवेक नहीं है, वहां जाकर फिर गिरे जाकर। कितने लोग घर परिवार छोड़ करके आ गए और साधु बन गए और लंगोटा बांध दिया, उसके बाद ना जाने कहाँ की लड़की स्त्री में मोहित हो करके और फंस करके उसके साथ विषय भोग में गिर करके, और फिर बोलते ये मेरा पर्सनल लाइफ है। काहे का पर्सनल लाइफ है? पर्सनल लाइफ क्या विषय शक्ति का होता है? तेरा पर्सनल लाइफ है तो काहे के लिए साधु का भेष पहने है? तेरा पर्सनल लाइफ है तो काहे के साधना के कपड़े पहन रखा है? जी जाकर पर्सनल लाइफ, गृहस्थ बन भाई, इधर क्यों रहता है? कौन कहता तेरे से साधु बन? और कितने कथाकार को देखा गया, और कितने प्रवचनकार प्रवचन सुनाते हैं और सुनाते सुनाते किसी श्रोता में मोहित हो जाते, श्रोता स्त्री में मोहित हो गए, पुरुष में मोहित हो गए। अगर कोई कथाकार लेडीज है, हमारे लखीमपुर खीरी में एक कथाकार लेडीज आई थी, वो कथा सुनाते 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 पांचवें दिन एक श्रोता के साथ भाग गई, तो उसके साथ एक साधु भी आया था। वो साधु उसको ढूंढ रहा था, वो साधु भी कहां गई, तो वो पाया ही नहीं। तो बड़े कई दिनों बाद असमंजस हुआ और बड़ा हल्ला मचा, फिर पता चला कि वो जो है किसी श्रोता के साथ भाग गई। अब सबको सुना रही है, वो कथाकार बनी है, सुना रही है कि सत्याग से रहना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए, और खुद आसक्त होती जा रही है और खुद मोहित होती जा रही है और खुद उसी कुक्रम। कितने बेशरम लोग हैं, ज्ञान कुछ और कथ रहे हैं और अंदर अंदर कुछ उनके और चल रहा है। ऐसे कितने प्रवचनकार प्रवचन करने गए, बड़ा प्रवचन सुनाते, लंबा हाथ उठा के कहीं कबीर सुनो भाई, साधु तुलसी कहे और सूर बोले और मीरा बजाए बीड़ा, ऐसा खूब गागू करके। और उसके बाद किसी न किसी लड़की में मोहित हो गए, स्त्री में मोहित हो गए। कितने साधु लोग गृहस्थ बन गए, कितने साधक लोग गृहस्थ बन गए, गृहस्थ नहीं भ्रष्ट हो गए। गृहस्थ तो एक सामाजिक नियम मर्यादा के अनुसार भी शादी करता है और शादी करके रहता है, वो तो चलो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का काम कर रहा है, लेकिन ये तो सीता हरण कर रहे हैं। ये किस मॉडल के कथाकार, किस मॉडल के प्रवचनकार है? और फिर इनके मन के अंदर इतनी मलिनता है तो इनकी कथा सुन करके व्यथा किसकी दूर हो गई, इनका प्रवचन सुन करके किसका आचरण सुधरने वाला? क्योंकि ये प्रवचन करने वाले का खुद ही आचरण ठीक नहीं, इसलिए प्रवचन करने वालों को भी कृपया बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये मोह किसके अंदर, किसके प्रति, कब, कहां, कैसे उत्पन्न हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े निर्मोही हो चुके हैं अब नहीं होगा। आप अगर संगत का ध्यान नहीं रखेंगे, सावधानी नहीं रखेंगे, तो आप दोबारा फिर फंस जाओगे, तिबारा फंस जाओगे, चौथी बार फंस जाओगे। मैं एक जगह कार्यक्रम करने गया था तो लोगों ने कहा कि यहाँ एक शास्त्री जी रहते हैं, तो हमने कहा मिलाओ भाई शास्त्री जी। शास्त्री जी मिले तो शास्त्री जी मुझसे बोले, आप जैसे सत्संग करते ऐसे हम भी करते थे एक दिन। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर सत्संग करते करते एक लेडीज में हम मोहित हो गए। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर उसको हमने पत्नी बना लिया। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर बच्चे हो गए। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर बहुत दुख मिला। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर हम छोड़ के भाग गए। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर हम मोहित हो गए। तो फिर वापस लौटे तो फिर उसी में रहे। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले अब फिर आकर्षण हो रहा है आपकी ओर की, अब फिर संत बन जाऊं तो अब निकलने वाला ही हूं। तो अब दो दो बार फिसले और दो दो बार साधु बन रहे। अब ऐसे लोगों को साधु नहीं बनना चाहिए, तुम्हारा मन इतना डावाडोल है। हालांकि अगर विवेक से देखा जाए तो न स्त्री में सुख है, न लड़की में सुख है, न लड़के में सुख है, न पुरुष में सुख है, न विषय भोगों में सुख है। अगर सुख होता तो सबसे बड़ी बात यह है, आप देख लीजिए,
अगर पति पत्नी के आपस के संबंध से विषय भोग में सुख होता तो आपस में लड़ाई क्यों करते, क्रोध क्यों करते, लोभ लालच क्यों करते, आपस में छल कपट चोरी क्यों करते, गुस्सा क्यों करते, झगड़े क्यों करते, सुख कहां इनको मिला? सुख मिल जाता तृप्त हो जाते, शांत हो जाते, उलझन ही खत्म हो जाती, सब झंझट खत्म था। लेकिन ये सब चल रहा है तो आखिर इनको दिख रहा है कि अब हम इसमें से चोरी करें तो सुख मिल सकता है, झूठ बोलें तो सुख मिल सकता है, आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं छल कपट? तो इनका तो वहां भी नरक में ही पड़े हुए। तो कोई अगर सोचता है ना कि किसी स्त्री से हम विषय भोग कर लेंगे सुख मिल जाएगा, या कोई स्त्री सोचे कि हम किसी पुरुष से विषय भोग कर लेंगे सुख मिल जाएगा, कितना विषय भोग करोगे तुम, कितने दिन करोगे, कितनी उम्र तक करोगे? बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हें बंद करना पड़ेगा, तुम्हारी इंद्रियां सब सूख जाएंगी, लघु शंका नहीं कर पाओगे, विषय भोग तो अलग है, आंखों से दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल गाल गड्ढे में चले जाएंगे, तब आखिर इस चंचल मन को रोकोगे? तो युवावस्था में इस चंचल मन को अगर नियंत्रण कर लो तो अपनी आत्मा में ही सुख है, अपने आप में ही सुख शांति है। सुख शांति किसी दूसरे प्राणी पदार्थ से कभी किसी को आज तक मिली ही नहीं, मिलती ही नहीं है। आत्मज्ञान होना चाहिए और वासना मुक्त मन होना चाहिए और शुद्ध प्रेम अंदर होना चाहिए, वहीं सुख का जन्म होता। फालतू इच्छाएं भी मत रखो, खाम खाम वाले काम भी मत करो, नशा व्यसन भी मत डूबे रहो। ये सब चीजें सावधानी से रखना चाहिए। और किसी सड़क पर पति पत्नी जा रहे थे तो पत्नी ने पति से कहा, देखो ये सड़क किनारे जो तालाब है और तालाब के पास में जो बतख है, अब बतख की जो पत्नी बतकी है, ये दोनों कितना प्रेम से रह रहे हैं एक दूसरे से। तो पति ने कहा हाँ सही बात है। और पत्नी बोली, ऐसा प्रेम से हम लोगों को भी रहना चाहिए, हम तुम लड़ जाते हैं आपस में, झगड़ जाते हैं, ये बात ठीक थोड़े, देखो कितना प्रेम से हिल मिल के रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ संभोग भी कर रहे हैं और प्रेम से। तो एक घंटे बाद जब वापस लौटे, वही रास्ता लौटने का था, तो फिर देखा वो बतक और बतकी विषय भोग में डूबे हुए थे और प्रेम से बड़ी शांति से ऐसा उनको दिखा। तो फिर पत्नी ने कहा, देखो अभी भी इनका सब प्रेम भाव से ही चल रहा है। तो पति ने कहा, गौर से तुम देखो, पहले जब निकले थे तो बतकी जो थी वो दूसरी थी, अब ये बतकी बदल गई है दूसरी। ऐसे कितने लोग बतकी बदलते रहते ओ बतकी बदलते रहते हैं और अपना प्रेम जताते रहते हैं, दूसरे लोग समझ नहीं पाते कितनी बतकी बदल दी और धोखा खा जाते। स्त्री को हंसी आई, बोली बात ये भी सही है, ये कुछ साइज में उससे छोटी लग रही है। ऐसे कितने लोग विषय वासना में डूबे हुए हैं, इसमें वासना में कभी भी सुख नहीं प्रकट हो सकता है, क्योंकि ये इंद्रिय जन जो सुख लगता है ये क्षणभंगुर है, ये आपकी रज वीर्य की क्षीणता का सुख आपको एहसास होता है। आपका शरीर बीमार हो, अस्वस्थ हो, रज वीर्य का निर्माण कम हो, आपको कभी भी स्त्री पुरुष दोनों परस्पर संबंध करेंगे कोई सुख नहीं लगेगा, आपकी रज वीर्य की क्षीणता का सुख आप एहसास करते हो। ये क्षणभंगुर है, नाशवान है, क्षणिक है, ये थोड़ी देर का और उलझन जिंदगी भर के लिए है। तो और जिस रज वीर्य को छीण करने में सुख मानते हो उसके लिए कहा, आपन तेज समारोह आप है, अगर उसको आप नियंत्रित करो तो आपका बुढ़ापा भी देर में आएगा, मुखमंडल पर चमक भी अधिक दिनों तक रहेगी, स्वस्थ भी रहेंगे, बुद्धि कुशाग्र रहेगी, आपको अच्छी नींद भी आएगी और आप शरीर से काफी अच्छे काम कर सकेंगे। लेकिन इनमें हाँ, इसलिए दो रास्ते बनाए गए हैं, एक तो गृहस्थ आश्रम, आप सद गृहस्थ बन करके रहिए, कोई बुरा नहीं, राम भगवान की तरह रहिए। आप अगर सद गृहस्थ बनकर रहते हैं तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और मर्यादाशील महारानी सीता है, रावण बनकर मत रहिए। और यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो त्याग वैराग्य ब्रह्मचर्य से रहिए, संत बन जाइए, तो सुखदेव जैसे संत बनिए, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करिए, जगतगुरु शंकराचार्य जैसे संत बनिए, कबीर देव जैसे संत। अब कबीर साहब को कितने लोग गृहस्थ बता देते, वो गृहस्थ नहीं थे, कबीर साहब बचपन से ही विरक्त थे,
और ब्रह्मचारी थे, ऐसे महान पुरुषों के ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे महान बनिए। तो प्रेम और मोह में आज मैंने अंतर भी बताया, उसका परिणाम भी बताया और साथ में डिटेल में चर्चा किया हूँ। हालांकि इतना लंबा प्रसंग नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोला इसलिए हूँ ताकि समझ में ठीक से आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके कल्याण के लिए। इतने शब्द बहुत साफ सुथरे सत्संग के माध्यम से समझाया हूँ। आशीर्वाद, शुभकामनाएं।